हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है। आज आप जो है अपना चैनल यूट्यूब चैनल अजी सर POM पर आज हम आपको हिंदी व्याकरण का कुछ टॉपिक पढ़ाने जा रहे हैं। यह जो टॉपिक है यह टॉपिक आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हिंदी व्याकरण का यह जो है एक बेस है। यह जो हिंदी व्याकरण है, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि इस हिंदी व्याकरण के जो जनक है उनका नाम पाणिनि है, क्योंकि पाणिनि ने ही सबसे पहले इस हिंदी व्याकरण का क्या कहते हैं निर्माण किए थे। आप लोग तो व्याकरण जानवे करते होंगे कि व्याकरण वह शास्त्र है जो हमें शुद्ध शुद्ध पढ़ना लिखना और बोलना सिखलाता है। तो उसी व्याकरण के अंतर्गत आज आपको पढ़ाने जा रहे हैं वर्ण। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि वर्ण जो है उस मूल ध्वनि को कहा जाता है जिसका खंड या टुकड़ा न किया जा सके, और वर्णों की जो कुल संख्या होती है वो 52 होते हैं। वर्ण को मुख्यतः जो है दो भाग में बांटा गया है, पहला स्वर वर्ण और दूसरा है व्यंजन वर्ण। जैसा कि आप सब जानते हैं कि वर्ण को जो है मुख्यतः दो भाग में बांटा गया, पहला है स्वर वर्ण और दूसरा है आपका व्यंजन वर्ण। व्यंजन वर्ण, आइए पहले हम लोग जाने स्वर वर्ण के बारे में। स्वर वर्ण, तो स्वर वर्ण उस वर्ण को कहते हैं जिसके उच्चारण में किसी दूसरे वर्ण की सहायता न ली जाए। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर ये आपका अ जो है अ के उच्चारण में किसी अन्य दूसरे वर्ण की सहायता नहीं ली जाती है। आ, इस आ के उच्चारण में भी किसी दूसरे वर्ण की सहायता नहीं ली जाती है। और जिन वर्णों में किसी दूसरे वर्ण की सहायता ना ली जाए उसे हम लोग स्वर वर्ण कहते हैं। स्वर वर्ण मुख्यतः जो है 11 होते हैं। स्वर वर्ण मुख्यतः जो है कितने होते हैं, 11 होते हैं। जैसे अ से अ तक, अ से अ तक। लेकिन अब यहां पे सवाल उठा कि जब हम लोग आई पढ़ते हैं तो उसमें एक अन और एक अह आता है, तो हम स्वर वर्ण में अन और अह को क्यों नहीं ले सकते, अ से अ तक ही क्यों ले सकते। तो जैसा कि अभी हमने आपको बताया था कि स्वर वर्ण उस वर्ण को कहते हैं जिसके उच्चारण में किसी दूसरे वर्ण की सहायता न ली जाए। जैसे आइए हम उच्चारण करके आपको बताते हैं। जैसे अ, जब हम अ बोले तो अ के उच्चारण में आप देखिए अंत में किसी दूसरा वर्ण नहीं आया। जैसे आ या औ का जब हम उच्चारण करते हैं तो औ के उच्चारण में भी अंत में देखिए किस दूसरे वर्ण का सहायता नहीं आया। तो इससे यह स्पष्ट हो गया कि डिफिनेशन के अनुसार जो उदाहरण दिया गया वो सत्य है। लेकिन वही देखिए जब हम अन और अह बोलते हैं तो आप अन्न का उच्चारण कीजिए तो आपके अन्न के उच्चारण में देखिए अंत में न का प्रयोग होता है, न देखिए दूसरा वर्ण है। अह का उच्चारण कीजिए तो अह के उच्चारण में देखिए अंत में जो है ह का प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों इससे यह स्पष्ट हुआ कि अन और अह का उच्चारण करने में दूसरे वर्ण की सहायता ली जा रही है, इसी कारण ये स्वर वर्ण कहलाते नहीं है। क्योंकि स्वर वर्ण सीधे कहता है कि जिन वर्णों के उच्चारण में किसी दूसरे वर्ण की सहायता न ली जाए उसी को हम लोग स्वर वर्ण कहते हैं। और ऐसे स्वर वर्ण जो है 11 होते हैं, अ से लेकर अ तक। अ से लेकर अ तक में आप कोई भी वर्ण लिखिएगा तो उसमें किसी भी वर्ण में दूसरे वर्ण की सहायता नहीं होगी। जैसा कि देखिए ये स्वर वर्ण जो है स्वर वर्ण को
ऐसे मुख्यतः जो है दो भाग में बांटा गया है। इसमें पहला को बोला गया है ह्रस्व और दूसरा को बोला गया है दीर्घ स्वर। लेकिन अगर उच्चारण के अनुसार लिया जाए, उच्चारण के माध्यम से अगर स्वर वर्ण का प्रयोग किया जाए, तो इस उच्चारण के अनुसार स्वर वर्ण को जो है तीन भाग में बांटा गया, पहला ह्रस्व, दूसरा दीर्घ स्वर और एक तीसरा है आपका प्लुत स्वर। ये उच्चारण के अनुसार बांटा गया। लेकिन ऐसे देखा जाए तो स्वर वर्ण को मुख्यतः दो भाग में बांटा गया, पहला ह्रस्व और दूसरा दीर्घ। लेकिन उच्चारण के अनुसार स्वर वर्ण को जो है मुख्यतः तीन भाग में बांटा गया, पहला ह्रस्व, दूसरा दीर्घ स्वर और तीसरा प्लुत स्वर। लेकिन अगर देखा जाए मात्रा के अनुसार, अगर इसका प्रयोग किया जाए मात्रा के अनुसार, अगर इसे देखा जाए तो मात्रा के अनुसार स्वर वर्ण को जो है तीन भाग में बांटा गया है, जिसमें आपका पहला का नाम है एक मात्रिक स्वर, दूसरा का नाम है द्विमात्रिक स्वर और तीसरा का नाम है त्रिमात्रिक स्वर। ये आपको मात्रा के अनुसार बांटा गया है तीन भाग में, पहला एकमात्रिक, दूसरा द्विमात्रिक और तीसरा त्रिमात्रिक। ये जो मात्रा के अनुसार तीन भाग में बांटा गया है। लेकिन अगर छंद शास्त्र के अनुसार देखा जाए तो छंद शास्त्र के अनुसार स्वर वर्ण को जो है मुख्यतः दो भाग में बांटा गया है। किसके अनुसार दोस्तों? तो छंद शास्त्र के अनुसार स्वर वर्ण को दो भाग में बांटा गया, जिसमें से एक का नाम दिया गया है लघु स्वर और दूसरा का नाम दिया गया है गुरु स्वर। एक छंद शास्त्र के अनुसार बांटा गया है, पहला लघु स्वर और दूसरा गुरु स्वर। अब आइए हम आपको बताने जा रहे हैं ह्रस्व स्वर के बारे में, क्या कि हम ह्रस्व स्वर कहते किसे हैं। ह्रस्व स्वर तो कहा जाता है कि जिन स्वर वर्णों के उच्चारण में, जिन स्वर वर्णों के उच्चारण में कम समय लगे उसे हम लोग ह्रस्व स्वर कहते हैं। जिन स्वर वर्णों के उच्चारण में कम समय लगे उसे ह्रस्व स्वर कहा जाता है। और ये जो आपका ह्रस्व स्वर है वो ह्रस्व स्वर आपका मुख्यतः चार होते हैं, जैसे अ, ह्रस्व इ, ह्रस्व उ और ऋ। ये चारों जो है आपका ह्रस्व स्वर है, क्योंकि ये चारों ह्रस्व स्वर के उच्चारण में करने पर आपका कम समय लगेगा। और मैंने जैसा कि मैंने पहले ही बोला कि जिन वर्णों के उच्चारण में कम समय लगे उसे ह्रस्व स्वर कहते हैं, जैसे अ, ह्रस्व इ, ह्रस्व उ और ऋ। अब आइए हम लोग दूसरा पढ़ेंगे दीर्घ स्वर। क्या पढ़ेंगे हम लोग? दीर्घ स्वर। तो दीर्घ स्वर उस स्वर वर्ण को कहा जाता है, दीर्घ स्वर उस स्वर वर्ण को कहा जाता है जिसके उच्चारण में ह्रस्व की अपेक्षा दुगना समय लगे। दीर्घ स्वर उस स्वर को कहा जाता है जिसके उच्चारण में दुगना समय लगे, जिसके उच्चारण में कितना समय लगे? दुगना समय लगे, उसे दीर्घ स्वर वर्ण कहते हैं। और दीर्घ स्वर जो है आपका मुख्यतः सात होता है। दीर्घ स्वर वर्ण मुख्यतः कितने होते हैं? सात।
जैसे आ दीर्घई दीर्घ ए ओ ओ, ए सात जो है आपका दीर्घ स्वर है। और जैसा कि हमने पहले आपको बताया था दोस्तों कि स्वर वर्ण मुख्यतः जो है 11 होते हैं और स्वर वर्ण को मुख्यतः दो भाग में बांटा गया, पहला रस और दूसरा दीर्घ। और देखिए हरस स्वर चार दीर्घ स्वर सात, सात चार कितने हो गए 11। क्लियर है। अब हमने एक बताया था आपको कि उच्चारण के अनुसार अगर लिया जाए तो हरस स्वर दीर्घ स्वर की अपेक्षा हमने एक और एक स्वर के बारे में बताया था जिसका नाम है आप प्लुत स्वर, याद है दोस्तों, जैसा कि हमने अभी अभी आपको बताया था। ठीक है, हरस स्वर दीर्घ स्वर और एक उच्चारण के अनुसार हमने बताया था प्लुत स्वर। अब दोस्तों प्लुत स्वर किसे कहते हैं, तो जिन स्वर वर्णों के उच्चारण में, किसके उच्चारण में दोस्तों, जिन स्वर वर्णों के उच्चारण में हरस की अपेक्षा तिगुना समय लगे, क्या गुना दोस्तों, तीन गुना समय लगे, उसे क्या कहेंगे प्लुत स्वर। और प्लुत स्वर जैसे इसका एग्जांपल लिया जाए दोस्तों तो वह ओम, क्या है ओम। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि स्वर वर्ण तो यहां 11 गो होता है लेकिन यहां तो सात चार 11 यहीं पे हो गया, फिर ये ओम कहां से आ गया। तो दोस्तों आपको जैसा कि मैं बता दूं कि यह जो प्लुत स्वर जो है यह हिंदी में अपवाद होता है, यह हिंदी में क्या होता है अपवाद। ठीक है, इसका प्रयोग जो है साधारणतः संस्कृत में किया जाता है लेकिन उच्चारण के अनुसार इसे हिंदी में भी प्रयोग किया जाता है, इसीलिए प्लुत स्वर जो होता है, ठीक है, हिंदी में क्या होता है अपवाद होता है, इसका प्रयोग साधारणतः संस्कृत में किया जाता है। अब जैसा कि दोस्तों हमने आपको बताया, आपको लग रहा होगा कि हरस स्वर में कैसे कम समय लग रहा है, दीर्घ स्वर में कैसे अधिक समय लग रहा है और प्लुत स्वर में कैसे तीन गुना समय लग रहा है, ये तो आपके दिमाग में ये जो है भावना उठ रही होगी, आप लोग सोच रहे होंगे। तो ये जैसा कि मैं उच्चारण करके आपको इसको क्लियर कर दूं ताकि आपके अंदर जो सस्पेंस है, आपके अंदर जो भावना जो बना हुआ है, जो आप सोच रहे हैं कि कैसे है, इसको मैं क्लियर करता हूं। आप लोग पहले अ का उच्चारण कीजिए, देखिए अ अ एकदम सिंपल तरीका से हम लोग बोल लेते हैं, इसमें ज्यादा कोई समय लेने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन जब हम लोग बोलते हैं आ तो देखिए तो आ बोलने में अ की अपेक्षा क्या अधिक समय लगा कि नहीं लगा, उच्चारण कीजिए अ, अधिक बोलिए आ, तो अ की अपेक्षा देखिए आ को बोलने में अ से जो है आ में दोगुना समय लग रहा, तो इसीलिए हमने इसको बोला था दीर्घ स्वर जिसमें दोगुना समय लगे। और एक बोलिए ओ, तो देखिए तो दोस्तों अ और आ की अपेक्षा ओ ओ में क्या तीन गुना लगा कि नहीं लगा, इन दोनों की अपेक्षा इसमें ज्यादा समय लगा अर्थात इसमें तीन गुना समय लगा, तो इसीलिए इसको कहा गया दोस्तों प्लुत स्वर। अब जैसा कि मैं समझता हूं कि आप कोई तीनों में जो सस्पेंस था कि किसमें कम समय लगेगा, किसमें दोगुना समय लगेगा, किसमें तीन गुना समय लगेगा, ये आपको क्लियर हो चुका होगा, अब इसमें आपके मन में कोई संकोच की भावना नहीं होगी, नहीं तो आप लोग उच्चारण करके कभी भी आप लोग देख सकते हैं। अब हमने दोस्तों आपको बताया था मात्रा के अनुसार, किसके अनुसार दोस्तों, मात्रा के अनुसार स्वर वर्ण को जो है तीन भाग में बांटा गया है। पहला हमने बताया था दोस्तों एक मात्रिक स्वर, दूसरा हमने बताया था द्विमात्रिक स्वर और तीसरा हमने बताया था त्रिमात्रिक स्वर। एक मात्रिक स्वर, द्विमात्रिक स्वर और त्रिमात्रिक स्वर, ये हमने मात्रा के अनुसार आपको बताया था, एक मात्रिक स्वर, द्विमात्रिक स्वर, त्रिमात्रिक स्वर, एक मात्रा के अनुसार स्वर वर्ण को तीन भाग में बांटा गया। तो आइए पहले दोस्तों हम लोग जाने एक मात्रिक स्वर किसे कहते हैं, तो कहेंगे
कि जिन स्वर वर्णों के जिन स्वर या हम लोग एकमात्र स्वर कहेंगे दोस्तों कि वैसा स्वर जिसमें एक मात्रा हो, वैसा स्वर जिसमें कितने मात्रा हो, एक मात्रा हो, उसे हम लोग बोलेंगे दोस्तों एकमात्रिक स्वर। ठीक है, वैसा स्वर जिसमें एक मात्रा का समय हो उसे हम लोग बोलेंगे एकमात्रिक स्वर। और एकमात्रिक स्वर दोस्तों आपको मुख्यतः चार होते हैं, जैसे दोस्तों अ, ह्रस्व ई, ह्रस्व उ और ई, ये आपका है दोस्तों एकमात्रिक स्वर, क्योंकि यह हमेशा जो है एक का मतलब क्या होता है, एक यानी जो अकेला रहे, और एकमात्रिक स्वर जो है यह हमेशा अकेला आता है, इसमें किसी दूसरे वर्ण की सहायता नहीं होती या इसमें अपने स्वयं अपने ही वर्ण का संयोग इसमें नहीं होता, इसलिए इसको बोला जाता है एकमात्रिक स्वर। द्विमात्रिक स्वर, तो जैसा कि आपका स्पष्ट हो रहा होगा कि द्वि का मतलब होता है दोस्तों दो, मात्रिक का मतलब होता है मात्रा, यानी वैसा स्वर जिसमें दो मात्रा हो, द्वि का मतलब दो और मात्रिक का मतलब मात्रा, यानी वैसा स्वर जिसमें कितनी मात्रा हो, दो मात्रा हो, उसे हम लोग कहेंगे दोस्तों द्विमात्रिक स्वर। और द्विमात्रिक स्वर जो है मुख्यतः सात होता है, जैसे दोस्तों आ दीर्घ ई, दीर्घ उ, ए, ओ, अ। देखिए दोस्तों ये आपका सात जो स्वर है इसको हम लोग बोलेंगे द्विमात्रिक स्वर, द्विमात्रिक स्वर सात होते। अब आप लोग दोस्तों सोच रहे होंगे कि कैसे द्विमात्रिक स्वर होगा, इसमें कैसे दो मात्रा होगा, ये तो आपके मन में सस्पेंस उत्पन्न हो रहा होगा, संकोच होगा कि इसमें आप एक मात्रिक कैसे बोले, इसमें द्विमात्रिक कैसे बोले। तो जैसा कि दोस्तों देखिए मैं आपको क्लियर करता हूं कि ये जो अ है ये अ में किस दूसरा वर्ण नहीं आ रहा है, अपने ही वर्ण का संयोग नहीं हो रहा, लेकिन जब हम लोग आ बोलते हैं तो आ का देखिएगा दोस्तों निर्माण अ और अ के मिलने से होता है दोस्तों। तो देखिए अ एक मात्रा और ये अ एक मात्रा, तो एक और एक देखिए तो दोस्तों दो मात्रा हो गया कि नहीं हो गया, तो इसलिए इसको बोला गया द्विमात्रिक। उसी प्रकार से दोस्तों दीर्घ ई देखिए, ये दीर्घ ई जो होता है हर्ष ई और हर्ष ई, तो देखिए दोस्तों इसे भी दो मात्रा है, एक हर्ष ई एक यहां है, एक हर्ष ई यहां है, तो एक ई कितना हो गया दो, आई देखिए ना दोनों मिला है कि नहीं दोस्तों, तो इसमें दो मात्रा का निर्माण है कि नहीं, तो इसलिए इसको कहा गया द्विमात्रिक। अब आइए दोस्तों देखिए जैसे कि दीर्घ ऊ, तो दीर्घ ऊ का जो निर्माण है हर्ष ऊ जो हर्ष ऊ के मिलने से होता है दोस्तों, तो देखिए हर्ष ऊ एक और हर्ष ऊ एक, एक एक कितना हो गया दो, तो देखिए तो इसमें दो मात्रा है कि नहीं दोस्तों, तो इसलिए इसको कहा गया दो मात्रिक। अब आइए ए, तो इस ए का जो निर्माण है अ और हर्ष ई के मिलने से होता है दोस्तों, अ एक वर्ण और हर्ष ई एक वर्ण, देखिए तो इसमें दो स्वर है कि नहीं है दोस्तों, अगर दोनों स्वर मिला है तब जाके एक का निर्माण हुआ, तो क्या दो मात्रिक है कि नहीं, देखिए इसमें दो मात्रा है कि नहीं है। अब ये आप लोग सोच रहे होंगे कि ऐसा नहीं, यहां अ जो हर्ष ई नहीं, आ जो दीर्घ ई भी हो सकता है, आ जो हर्ष ई भी हो सकता है, आ जो दीर्घ ई भी हो सकता है दोस्तों, ठीक है, ये नहीं कि मैंने ये बताया तो सिर्फ यही होगा, नहीं दोस्तों आ जो दीर्घ ई भी हो सकता है, आ जो हर्ष ई भी हो सकता है, आ जो दीर्घ ई भी हो सकता है, क्योंकि दोनों के मिलने से ही आपका निर्माण होता है एक है दोस्तों। अब सवाल उठा दोस्तों आइए हम लोग आय के बारे में जाने कि आय इसी प्रकार से दोस्तों आप सब तो आप लोग करके देख चुके होंगे, जैसा कि संधि जब उच्चारण होगा संधि जब पढ़ाया जाएगा तो संधि में ये सारा क्लियर किया जाएगा, ठीक है दोस्तों। जैसा कि यहां तक आप लोग समझ गए कि सम में दो मात्रा आ रहा था इसलिए इसको बोला गया कौन सा द्विमात्रिक स्वर। अब आइए दोस्तों त्रिमात्रिक स्वर, तो त्रि का मतलब क्या होता है तीन और मातृ का दोस्तों मात्रा, यानी वैसा स्वर जिसमें तीन मात्रा हो, वैसा स्वर जिसमें कितनी मात्रा हो दोस्तों तीन मात्रा हो उसे हम लोग त्रिमात्रिक स्वर कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर दोस्तों ओम, और इसमें हमेशा तीन का चिन्ह लगा रहता है दोस्तों, जैसे देखिए ओ, देखिए इसमें हमेशा बीच में किसका चिन्ह लगा हुआ है,
तीन का चिन्ह लगा हुआ है दोस्तों, इसलिए इसको बोला गया त्रिमात्र। ऐसे देखिए तीन मात्रा का प्रयोग भी हो रहा दोस्तों, ओ अम है ना दोस्तों। देखिए इसमें तीन आ गया कि नहीं आ गया, तो तीन आया इसलिए इसको हम लोग बोला गया दोस्तों त्रिमात्रिक स्वर। ठीक है, त्रिमात्रिक पहले भी हमने बताया कि त्रि का मतलब तीन, मात्रिक का मतलब मात्रा, यानी वैसा स्वर जिसमें तीन मात्रा हो उसी को कहेंगे हम लोग त्रिमात्रिक स्वर। जैसा कि देखिए ओ ओ अ, इसमें हमेशा दोस्तों मैंने पहले भी बताया कि इसमें हमेशा तीन का चिन्ह लगा रहता है, और जैसा कि आपको मैंने पहले ही बताया था कि ओम जो है हमेशा संस्कृत का प्रयोग होता है, हिंदी में इसका प्रयोग किया जाता नहीं, यही तो हिंदी में अपवाद होता है दोस्तों। ठीक है, हिंदी में क्या होता है, अपवाद होता है। चलिए दोस्तों, जैसे कि आपको हमने मात्रा के अनुसार भी आपको हमने बता चुका है, अब आइए हम लोग पढ़ने जा रहे हैं दोस्तों जो बताए थे छंद शास्त्र के अनुसार। छंद शास्त्र, छंद शास्त्र के अनुसार स्वर वर्ण को दो भाग में बांटा गया है। छंद शास्त्र के अनुसार कितने भाग में बांटा गया है दोस्तों, दो भाग में। अरे छंद जो शास्त्र है वो वेद का एक अंग है, जैसे कि आप लोग जानते होंगे कि वेद के छह अंग होते हैं, शिक्षा कल व्याकरण योग छंद और ज्योतिष। शिक्षा कल व्याकरण निरुक्त छंद और ज्योतिष, ठीक है, ये वेद के छह अंग है, उन्हीं छह अंगों में से एक अंग है आपका छंद शास्त्र। ठीक है, तो इसी छंद शास्त्र के अनुसार स्वर वर्ण को जो है दो भाग में बांटा गया, पहला आपका दिया गया दोस्तों लघु स्वर और दूसरा दिया गया है गुरु स्वर। पहला कौन सा, लघु स्वर और दूसरा गुरु स्वर। अब ये लघु का मतलब क्या होता है, छोटा, और गुरु का मतलब क्या होता है, बड़ा। तो कह सकते हैं इसे लघु स्वर को ही हम लोग हरस्वर कहते हैं, अर्थात हम कह सकते हैं कि हरस्वर को ही लघु स्वर कहा जाता है, और गुरु का मतलब बड़ा, तो बड़ा में क्या होता है, दीर्घ, तो हम लोग कह सकते हैं कि दीर्घ स्वर को ही गुरु स्वर कहते हैं। या हम लोग इसका ऐसे भी डेफिनेशन दे सकते हैं कि अ हर्ष ई हर्ष उ और री, इन चार वर्णों को जो है लघु स्वर कहा जाता है, अ हर्ष ई हर्ष उ और री, इन चार वर्णों को क्या कहा जाता है, लघु स्वर कहा जाता है। और गुरु स्वर इसके ऐसे भी हम लोग डिफरेंशिएशन देते हैं कि आ दीर्घ ई दीर्घ उ ए ए ओ अ, इन सात स्वर वर्णों को जो है गुरु स्वर कहा जाता है, क्या कहा जाता है, गुरु स्वर कहा जाता है। ठीक है, तो ये हमने अभी आपको स्वर वर्ण के बारे में क्लियर किया। ठीक है, अब जैसा कि दोस्तों हम लोग एक बार इसका देख ले कि इससे ऑब्जेक्टिव क्या क्या बन सकता है। ठीक है, तो पहला तो ऑब्जेक्टिव कहेगा कि वर्णों की कुल संख्या कितना होता है, तो पहला हम लोग बोलेंगे कि वर्णों की कुल संख्या कितना होता है, 52, फर्स्ट ऑब्जेक्टिव। सेकेंड हम लोग बोल सकते हैं कि वर्ण को मुख्य कितने भाग में बांटा गया है, तो दो भाग में बांटा गया है, दूसरा ऑब्जेक्टिव। तीसरा बोलेगा कि उच्चारण के अनुसार स्वर वर्ण को मुख्य कितने भाग में बांटा गया, तो बोलेंगे कि तीन भाग में बांटा गया है। चौथा हम लोग बोल सकते हैं कि मात्रा के अनुसार स्वर वर्ण को कितने भाग में बांटा गया है, तो बोलेंगे कि दो भाग में बांटा गया है, सॉरी तीन भाग में बांटा गया दोस्तों। मात्रा के स्वर वर्ग को कितने भागों में, तीन भागों में बांटा गया। छंद शास्त्र के स्वर वर्ग को कितने भाग में बांटा गया है, तो दो भाग में बांटा गया है। हर स्वर वर्ग मुख्यतः कितने होते हैं दोस्तों, तो बोलेंगे कि चार। दीर्घ स्वर वर्ग मुख्यतः कितने होते हैं दोस्तों, तो बोलेंगे सात। हिंदी में कौन सा स्वर वर्ग अपवाद होता है, तो हम लोग बोलेंगे दोस्तों प्लुत स्वर। कौन सा दोस्तों, प्लुत स्वर। आगे कहेगा कि त्रिमात्रिक स्वर में हमेशा किसका चिन्ह लगा रहता है, तो बोलेंगे दोस्तों तीन का चिन्ह लगा रहता है। किसका चिन्ह लगा रहता है, तीन का चिन्ह लगा रहता है। बोलेगा दोस्तों कि
लघु स्वर मुख्यतः कितने होते हैं? तो लघु स्वर बोलेंगे दोस्तों मुख्यतः चार। पूछा गुरु स्वर मुख्यतः कितने होते हैं? तो बोलेंगे सात। ठीक है दोस्तों, तो इसी तरह का वीडियो पाने के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे YouTube चैनल अजी सर पीओम को। इसी के साथ मैं अपना सिलेबस आज यही समाप्त करता हूँ, फिर मैं कल आप लोग से मिलूंगा। लेकिन दोस्तों इसे समाप्त होने से पहले ठीक है, लाइक बटन को दबाना ना भूलिए, सब्सक्राइब करना ना भूलिए, और लास्ट में एक बेल आइकन बटन होगा उसे दबाना ना भूलिए दोस्तों, ताकि इस तरह का चैनल जो है आपको हमारा चैनल आपको प्राप्त होता रहे, ताकि आपको पढ़ने में सुविधा होती रहे। ठीक है दोस्तों।